क्लिपर सर्किट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कैसे और क्या होती है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्लिपर को हम लिमिटर, एम्पलीट्यूड सिलेक्टर या स्लाइसर भी कहते हैं। ठीक है, आपका जो सिग्नल होता है एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे या ऊपर हम क्या करते हैं उसको काट देते हैं, क्लिप कर देते हैं। ठीक है, हम क्लिप कर देते हैं तो इसीलिए इसको क्लिपर कहते हैं। इसमें दो तरह से होते हैं आपके, बाइस्ड क्लिपर होते हैं, अनबाइस्ड क्लिपर होते हैं। ठीक है, बाइस्ड के अंदर अनबाइस्ड दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लिपर में बाइस्ड और अनबाइस्ड क्लिपर दोनों लेते हैं। अनबाइस्ड पॉजिटिव क्लिपर यानी ये बाइस्ड नहीं है और पॉजिटिव क्लिपर है, मतलब आप इसके अंदर कोई बाइसनेस नहीं है, ये अपनी मर्जी से काम करे। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया इसको है, फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल है। हम देखें ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे तो कलेक्ट करेगा, ये कॉन्टेक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा। हम देखें जब इनपुट में पॉजिटिव साइकिल आया तो ये कैथोड के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई गई है ना, जब पॉजिटिव सप्लाई गई तो डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो, जब डायोड रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल इधर ही रुक गया, इधर ही रुक गया तो यहाँ से करंट कोई फ्लो ना हो, इस रेजिस्टेंस में से कुछ ना गुजरा है ना, इस रेजिस्टेंस में कुछ ना गुजरा तो यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज कितने आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ना पॉजिटिव साइकिल में देखिए जब यहाँ पे पॉजिटिव लगता है, यहाँ पे नेगेटिव लगता है, तब ये डायोड है तब कंडक्ट करता है, जब यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया तो वहां पे पॉजिटिव लगाती है तो एन के साथ पॉजिटिव लगाए तो रिवर्स बायस। अब नेगेटिव साइकिल आया, ठीक है ये पी एन एन ए साइड होता है, नेगेटिव साइकिल आया तो नेगेटिव के साथ एन लगा तो इसने कंडक्ट किया, नेगेटिव साइकिल को अपने अंदर से पूरा गुजार दिया, जब नेगेटिव साइकिल इसमें से पूरा गुजर गया तो आपको रजिस्टर के ग्लास यहाँ पे अगर आप मीटर लगाएंगे तो आपको वोल्टेजेस शो होंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे क्या करते इसने काट दिया, पॉजिटिव साइकिल इज क्लिप ऑफ, तो इसका मतलब है पॉजिटिव को इसने क्लिप किया, नेगेटिव को चलने दिया ना, तो काटा इसने कौन सा साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, तो इसलिए इसको पॉजिटिव क्लिपर कहते हैं। ठीक है, इसमें बाइसनेस कोई नहीं है, मतलब हमने कोई लिमिट शिमिट नहीं रखी हुई है इससे ज्यादा पॉजिटिव करना है या कितना पॉजिटिव नहीं काटना, तो इस चीज को अनबाइस्ड कहते हैं। जिसने पॉजिटिव साइकिल काटा तो पॉजिटिव क्लिपर हो गया। नेगेटिव क्लिपर, ठीक है डायोड हमने पॉजिटिव से क्लिपर में देखे उल्टा लगाया, इसमें हमने क्या किया सीधा लगाया, क्योंकि हमने पॉजिटिव साइकिल को गुजारना है और नेगेटिव साइकिल को कट करना है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ पी के साथ लगा तो पॉजिटिव के अंदर फ्लो ऑफ करंट गया। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के अंदर जब करंट गया तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट शो हुई। ठीक है, पी और एन में जब यहाँ पे नेगेटिव ये वाला साइकिल आया, नेगेटिव वाला, तो डायोड ने एज एन ओपन स्विच एक्ट किया। ठीक है, डायोड एज एन ओपन स्विच एक्ट किया तो यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। इसने क्या किया, नेगेटिव साइकिल को काट दिए, नेगेटिव साइकिल को काट दिया, पॉजिटिव साइकिल दे दी, जब नेगेटिव साइकिल को काट दिया तो नेगेटिव क्लिपर हो गया। बाइस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है बाइस्ड पॉजिटिव क्लिपर जो होता है कि आप एक स्पेसिफिक लेवल तक इसको बाइस कर देते हैं, तो अपनी मर्जी का पॉजिटिव हिस्सा काटते हैं, अपनी मर्जी से ज्यादा नहीं काटते। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मैं फोटो को अगर हो सकता है यहाँ से खेच इसको खेच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, अब देखिए ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये डायोड आगे लगा हुआ, आगे हमने बैटरी लगाई और यहाँ पे रेजिस्टर लोड के क्रॉस हम क्या करें आउटपुट ले रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट करें आपने सप्लाई देनी है जीरो से लेकर 10 वोल्ट तक की, ठीक पॉजिटिव 10 से नेगेटिव 10 तक, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो वोल्टेजेस हैं पॉजिटिव 5 से लेकर पॉजिटिव 10 तक ये वाला ऐसा काट, ठीक 5 से 10 तक काट दे, तो आप क्या करेंगे 10 वोल्ट की सप्लाई है तो आप यहाँ 5 वोल्ट यहाँ पे दे, बाकी चीज मैं आपको समझाता हूँ, 5 वोल्ट यहाँ पे दे देंगे तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट ये वाले ऊपर से क्लिप हो जाएंगे स्टार्ट से शुरू करते। देखिए
पॉजिटिव साइकिल आया जीरो, जीरो पे इसमें से करंट गुजरना शुरू होगा करंट। अब यहाँ पे जीरो वोल्ट है, यहाँ बैटरी को 5 वोल्ट दी है, तो जीरो छोटा है 5 से, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, डायोड में से करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है, डायोड में से करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है ना, डायोड में से करंट नहीं गुजरेगा, तो अब क्या होगा, डायोड में से जब करंट नहीं गुजरेगा तो ये सारा करंट यहां से किधर चला जाएगा, लोड में चला जाएगा, जब लोड में जाएगा तो वही लोड के ऊपर उसमें से करंट जाता रहेगा शो करता रहे, ठीक है, अब वो शो करेगा। इसके बाद देखिए, जब जीरो से लेकर 5 तक, जीरो से लेकर 4.95 तक मान लीजिए ये रिवर्स बायस रहा, तो जीरो से लेकर 5 तक ये रिवर्स बायस रहा, तो सारे का सारा करंट इस रास्ते जाता रहा, तो यहां से आपको यहां तक सप्लाई मिलती रही, सही, यहां तक हो गया। अब देखिए, जीरो से लेकर 5 तक तो सप्लाई मिली, जब 6 वोल्ट हो गए ना, यहाँ पे 6 होंगे और यहाँ पे 5 होंगे। अच्छा, इसको ना हमने डिटेल से पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में को हमने उसमें भी डिस्कस किया हुआ है, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा, तो अगर आपको यहाँ से कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो यहाँ पे जब 6 वोल्ट आ जाएंगे, इधर 5 है, तो ये वाले वोल्टेज ज्यादा पॉजिटिव है इसके नीचे, ठीक है, ये वाले वोल्टेज ज्यादा पॉजिटिव है इसके नीचे, तो यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 5 आ गए, तो ये डायोड अब कंडक्ट करेगा, ये डायोड अब कंडक्ट करेगा, जब ये डायोड कंडक्ट करेगा तो इधर करंट नहीं जाएगा, अब इधर करंट नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इधर आ गया, फिर ये वाले 5 वोल्ट, देखिए ये शॉर्ट सर्किट हो गया डायोड, जो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये वाले 5 वोल्ट जो है, यही आप जब रेजिस्टर्स के ऊपर मीटर लगाएंगे ना, देखिए ये एज ए शॉर्ट सर्किट को मान लीजिए, जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये वाले 5 वोल्ट जो है यहाँ पे आउटपुट पे शो होते रहेंगे, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये 5 वोल्ट की फ्लैट लाइन इसीलिए बताएगी, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक। अब 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 होने के बाद 10 होंगे, फिर 10 के बाद जब डिक्रीज करेगा 8, 7, 6, 5 तक ऐसे रहेगा, जब सॉरी अच्छा आगे चलिए देखिए, जब यहां पे 5 हो जाएंगे, 5 और 5 आपस में अब क्या होता है, यहाँ पे 5 वोल्ट होते हैं, यहाँ पे भी 5, 6 वोल्ट, इसके बाद जब यहाँ पे 4 वोल्ट होंगे, ठीक है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे 4 वोल्ट होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, तो डायोड फिर रिवर्स बायस होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो फिर करंट इसमें से गुजरना शुरू हो जाएगा, जब फिर करंट इसमें से गुजरना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे देखें डिके या डाय डाउन इसीलिए दिखाया, क्योंकि फिर करंट ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये रिवर्स बायस तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं आ जाएगा। अब नेगेटिव साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइड पे भी रिवर्स बायस रहेगा, तो ये सारी की सारी करंट इसी में से गुजरेगी। नेगेटिव साइकिल के अंदर ये क्या करेगा, ये डायोड रिवर्स बायस होगा, सीधा सीधा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पॉजिटिव साइकिल में हमने 5 वोल्ट जब दिए हुए थे, 5 वोल्ट तक ये क्या हुआ, 5 वोल्ट तक ये डायोड जो है रिवर्स बायस रहा, जब 5 वोल्ट तक रिवर्स बायस रहा तो सारी आउटपुट मिलती रही, जब 5 से ऊपर 5 से लेकर 8 तक वोल्टेज थे या 10 तक थे तो डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, तो 5 से 10 तक जब डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट यहां से गुजरना शुरू हो गई, हम 5 से 10 वाले ऊपर वाले वोल्टेज नहीं मिले, सिर्फ 5 वोल्ट ये डीसी फ्लैट लाइन मिली। आप नेगेटिव साइकिल के केस में पूरा पूरा साइकिल मिल, नेगेटिव बायस्ड क्लिपर, ठीक, नेगेटिव बायस क्लिपर में आपने नेगेटिव कुछ हिस्सा काट देना। अब देखें इसमें आपने पॉजिटिव साइकिल भी दिया, नेगेटिव साइकिल भी दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव साइकिल के केस में क्या होता है, जब हम यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, सारी की सारी सप्लाई आपको आउटपुट पर मिल जाएगी, सारी की सारी सप्लाई आउटपुट पर मिल जाएगी, ठीक है। नेगेटिव साइकिल दिया, अब देखें हम सप्लाई 0 से लेकर वी मैक्सिमम मान लीजिए 10 वोल्ट है ना, 0 से लेकर 10 वोल्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने वोल्टेज कितने दिए मान लीजिए 5 वोल्ट, ठीक है। अब 0 से लेकर 10 वोल्ट तक दे रहे हैं, जब 0 से लेकर पॉजिटिव 10, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब 10 वोल्ट है, यहाँ पे आप 10 वोल्ट से जब तक 5 वोल्ट से जब तक कम नहीं देंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट है, जब तक यहाँ 4 नहीं होंगे तब तक नहीं कंडक्ट करेगा।
और वो भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो पड़े तो नेगेटिव फोर्स है। देखिए पॉजिटिव साइकिल में इसने रिवर्स बायस रहा, नेगेटिव साइकिल में -1, -2, -3, -4 तक ये रिवर्स बायस रहा, -4 से ऊपर ऊपर क्या हो गया फॉरवर्ड बायस है। जब -5 आ जाएंगे ना, -6 मान लीजिए, -6 आ जाए तो यहाँ -6 है, यहाँ -5 है, तो ये टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव है इसकी निस्बत, तो ये कंडक्ट करना शुरू कर, जो कंडक्ट करना शुरू कर -5 से लेकर यहाँ तक ये नीचे वाला थोड़ा सा ऐसा कट जाएगा। जैसे ये देखिए इसमें ये ऊपर वाला ये वाला ऐसा कटा हुआ था, इसी तरह इसमें यहाँ से नीचे वाला ऐसा कट जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे -5 यहाँ कॉन्स्टेंट मिलेंगे। ठीक है, जब -6 आ जाएगा तो -6 के ऊपर ये कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो इस तरफ से नहीं होगा, लेकिन आपको इस टर्मिनल के ऊपर क्योंकि डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज -5 वोल्ट यहाँ पे फ्लैट लाइन मिलेगी थोड़ी सी, फिर जब -5 से कम हो गया 4, 3, 2, 1, 0 तो ये वाला लाइन है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव बायस में ये वाला ऊपर वाला ऐसा काटते थोड़ा सा, इसमें ये थोड़ा सा नीचे वाला ऐसा काटते, ठीक मैं आपको सेट करके फोटो बना देता हूँ। ये देखिए आप सही है, देखिए ये वाला नीचे वाले से कट, क्योंकि ऊपर वाले डायग्राम में ना थोड़ी सी कटिंग नहीं शो हो रही थी, देखिए यहाँ पे नीचे वाला थोड़ी सी कटिंग होनी चाहिए, ये वाला थोड़ा सा कट, तो इस तरह नेगेटिव बायस्ड क्लिपर काम करेगा। ठीक है, अगर आपने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर